आज सुबह सुबह जो कि बारिश का मौसम है, और इसमें जो कि मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि बहुत ऐसे क्रिएटर्स हैं जो अभी भी जो कि मालती चौहान के जो कि पीछे पड़े हैं, और मालती चौहान की शादी की जो कि बात करते हैं कि इनसे शादी हुआ था तो इनके साथ गई थी तो यहाँ जो कि ये हुआ था, बहुत ऐसे इसमें जो कि लफड़ा जो कि चल रही है। लेकिन दोस्तों जो कि मैं बता दूं, मालती चौहान अपने मर्जी से जो कि ना ही कोई शादी की थी और ना ही अपने मर्जी से उसका डेट हुआ और ना ही अपने मर्जी से कहीं जे की गई थी। सब एक सोची समझे रणनीति थी और एक राजनीति थी जिसके तहत अर्जुन वर्मा और गोरखप्रिया भौजी और विष्णुराज ये तीनों लोग मिलकर के कुछ ऐसे साजिश किए जिसके वजह से आज मालती चौहान दुनिया से जे की गई। और उसके साथ साथ खबर ये भी आ रहा है कि अर्जुन वर्मा भी इस दुनिया से जेकि चला जा चुका। लेकिन दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि जहां भी जेकि अर्जुन वर्मा और मालती चौहान और विष्णुराज की जेकि बात आती है, वहां जेकि गोरखप्रिया भौजी जेकि टपक जाती है। और यह गोरखप्रिया भौजी बीच में क्यों आती है इसका जवाब जनता ही देगी, इसका जवाब जेकि पब्लिक ही दे पाएगी कि क्यों जेकि बार बार जेकि मालती चौहान के बीच में जेकि ये आती है। आज जो कि नहीं है मालती चौहान तो क्या गोरखप्रिया भौजी और अर्जुन वर्मा की वजह से मालती चौहान का घर जो कि फिर से खुशहाल हो सकता है, उसका बच्चा सुखपूर्वक उसके परिवार में रह सकता है, इसका जवाब कोई नहीं दे सकता है। और सिर्फ बस सिर्फ जो कि एक अनेकों प्रकार की अफवाहें, अनेकों प्रकार की बात जो कि फैलाई जा रही है, इस पर जो कि पब्लिक को ध्यान देना चाहिए। और दोस्तों वीडियो में जो कि बने रहें, बहुत कुछ जो कि ऐसी बातें जो कि मिलेगी जो अभी तक गोरखप्रिया भौजी और अर्जुन वर्मा विष्णुराज नहीं बताए हैं, यह बातें स्पष्ट की जाएगी। धन्यवाद।